नमस्कार, आप सब कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। आज मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूं जो हमारी रिलेशनशिप, स्पेशली हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ऐसा होता है कि हमारे कल्चरल अपब्रिंगिंग से, हमारी सोसाइटी के इनपुट्स के द्वारा हम एज वुमेन बहुत बार घर में शांति और घर में कोई टेंशन ना हो उसकी वजह से हम कुछ बातों को एड्रेस नहीं करते जो बहुत ज़रूरी हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए वो बातें कहना बहुत ज़रूरी है और उनको कारपेट के अंदर दबा के रखना या मन के अंदर दबा के रखना बहुत ही गलत है, क्योंकि जब हम वो चीज़ को बर्दाश्त करते रहते हैं, उस चीज़ को टॉलरेट करते रहते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमारी रिलेशनशिप पे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो धीरे 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 एक घाव की तरह बढ़ती जाती है। और जब वो बढ़ती जाती है तो हमारे अंदर उसकी रिजेंटमेंट बढ़ती जाती है, हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत खुंदक आती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरी रिलेशनशिप में इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। उसका कारण आधा तो ये है कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, और उससे आधा बड़ा कारण ये बन जाता है कि हम उसके बारे में कभी भी बात नहीं करते। तो वो कौन सी तीन चार ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, उस बात को आगे लाके एक वार्तालाप करना, एक शांतिपूर्ण एटमोसफियर में उसके बारे में डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते वो जो घाव है वो बढ़ता जाए और वो उस हद तक बढ़ता जाए कि आप उससे बहुत दुखी हों। ज़्यादातर विमेन, ज़्यादातर औरतों को बहुत तकलीफ होती है ऐसी बातों को एड्रेस करने में, क्योंकि उनको लगता है अरे झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा होना इज नथिंग अनयूजुअल। झगड़ा होना, जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें अनबन होना नेचुरल है। वो इसलिए नेचुरल है क्योंकि वो जो दो इंसान हैं जो एक साथ एक रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ कह लीजिए, पार्टनर कह लीजिए, वो अलग अलग लाइफ सिचुएशन से गुजरे हैं, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, उनके सोचने का तरीका अलग अलग है, उनको ज़िंदगी ने जो सिखाया है, सोसाइटी ने जो सिखाया है, उनके पेरेंट्स ने जो सिखाया है वो अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनके फाइनेंशियल स्टेटस अलग हो सकते हैं। तो जब वो दो इंसान एक साथ आते हैं, चाहे पार्टनरशिप के रूप में चाहे एक मैरिज के रूप में, तो अनबन होना लाजमी है। तो इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि दो जने एक साथ रहेंगे और उनमें कभी कोई अनबन ही नहीं होगी, तो वो बहुत ही अननेचुरल थॉट है, वो बहुत ही स्ट्रेंज सोचने का तरीका है। क्योंकि ये जब तक वो दोनों बहुत हाईली इवॉल्व्ड लोग नहीं हैं तो अनबन होना बहुत नेचुरल है और कुछ हद तक उसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हम जब अपनी बात किसी और के आगे रखेंगे उसको शायद नहीं पसंद आएगी, वो कैसे रिएक्ट करेगा उसी से झगड़ा शुरू होता है। तो चलिए, ये दो बातें क्लियर करने के बाद, तो पहली वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आपको अपने हस्बैंड से या अपने पार्टनर से ज़रूर बात करनी चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है। टेक्नोलॉजी से मतलब सोशल मीडिया से, या आपका जो समय आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं उससे रिलेटेड है। आज से 10-15 साल पहले मोबाइल शायद होते ही नहीं थे, 20 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो लोग जब खाने की मेज़ पे बैठते थे, या लोग जब बाहर रेस्टोरेंट में जाते थे, या लोग जब अपने घर में बैठते थे, तो एक दूसरे से बातचीत करते थे। मुझे याद है मेरे फादर बहुत कम बात करते थे, लेकिन खाने की मेज़ पे जब उन्हें हर शाम को बैठना, तो हम हर इंसान से पूछते थे तुम्हारा आज का दिन कैसे गया। और हम, चाहे हम स्कूल में होते थे तो हम बताते थे पापा आज ये हुआ, पापा आज ये हुआ, मेरी मदर से पूछते थे, माय मदर वाज अ वर्किंग लेडी आफ्टर मैरिड लाइफ, उनसे पूछते थे आपका दिन कैसा रहा, फिर हम अपने पापा से पूछते थे पापा आपने आज क्या किया। ये जो कन्वर्सेशंस थी, आज 20-25-30 साल के बाद में जब इनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन हमारी फैमिली को as a family together लाने में, to make a closer relationship between my father and my mother,
वर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये वो समय होता था जब हम अपनी कन्वर्सेशन से ये दिखाते थे कि आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, आपने आज सारे दिन में क्या किया वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मुझे ये जानने की ज़रूरत है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ कि आपका दिन कैसा गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, आजकल क्या होता है, मम्मी के पास भी मोबाइल है, हस्बैंड के पास भी मोबाइल है, बच्चों के पास भी मोबाइल है, तो डाइनिंग टेबल पे कन्वर्सेशन होती ही नहीं है। डाइनिंग टेबल पे अधिकतर लोग अपने मोबाइल पे अपने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रहे हैं। एक रिसर्च ये प्रूव करती है कि हमारा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना सोशल मीडिया की वजह से 88% कम हो गया है। अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे, कभी हम उनको ये नहीं बताएंगे अपनी बिहेवियर से कि आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको क्या लगता है उनको सपना आएगा कि आप इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि लाइफ में हर चीज़ एक्शन ड्रिवन है, हम अपने एक्शन से, हम अपने बिहेवियर से दूसरे इंसान को ये प्रूव करते हैं कि आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी रिलेशनशिप, जो मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं जो अक्सर ये बात कहते हैं कि मेरी रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं है, मेरी रिलेशनशिप में वो कम्युनिकेशन नहीं रहा, मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं इस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट रही भी हूँ या नहीं हूँ, तो ये ज़रूरी है अपने पार्टनर या हस्बैंड को ये बताना या वाइफ को ये बताना, आपका सोशल मीडिया का जो टाइम स्पेंड आप कर रहे हैं वो हमारी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है हस्बैंड और वाइफ में बहुत अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो ये है कि उनमें से एक इंसान को लगता है कि वो घर का काम बहुत ज़्यादा कर रहा है। यूजुअली वो वाइफ्स को लगता है, स्पेशली हाउस वाइफ्स को जो वर्किंग वुमेन नहीं है। ये कन्वर्सेशन करना अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से कि हमारा घर का जो काम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बहुत ज़रूरी है। एक लिस्ट बनाना जिसमें घर के काम हैं, सुबह की चाय बनाना, खाना बनाना, नाश्ता पैक करना, टिफ़िन अगर वर्किंग लोग हैं, शाम की चाय बनाना, घर की सफाई साफ़ सफाई रखना, फाइनेंसेस देखना, बाहर से सब्ज़ी ग्रोसरीज ये सब लेके आना, घर के अनगिनत काम होते हैं। तो एक लिस्ट ये बनाना कि ये घर के काम हैं, उसमें से आप कौन सा काम करेंगे और मैं कौन सा काम करूँगी, उस चीज़ को एक प्रॉपर सिस्टमाइज वे में करने से किसी को ये नहीं लगेगा कि मैं सुबह से लेकर शाम का काम करती रहती हूँ, किसी को उस चीज़ की कदर नहीं है। हम जब ऑफिस में जाते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, कितनी बार हमारा बॉस एक ढिंढोरा पीटता है कि भैया वाह इन्होंने क्या काम किया है, शायद साल में एक बार अगर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, बाकी कुलीग से बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, तो शायद एक सर्टिफिकेट मिल जाता है या एक ट्रॉफी मिल जाती है या कहा जाता है एक पार्टी में कि इन्होंने जी बहुत अच्छा काम किया। अपने काम की जिम्मेदारी लेना और अपने काम के लिए हर दो दिन में तारीफ सुनने के पुल बांधना या उम्मीद रखना कि लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे बहुत ही बहुत ही बहुत ही खराब आइडिया है, क्योंकि लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हैं, जिनको अपने काम से फुर्सत मिलेगी तो वो बैठ के आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन क्या होता है, हमें ये लगता है कि हम तो सारा दिन घर पे थे, हमने तो इतनी सब्जियां बनाई, हमने तो शॉपिंग की, हमने घर को संभाला, कोई देखता ही नहीं है, कोई उसको अप्रिशिएट ही नहीं करता। अगर आप अप्रिसिएशन चाहते हैं तो बोलें कि मुझे उस चीज़ की अप्रिसिएशन चाहिए, लेकिन उससे पहले करने से एक लिस्ट बनाएं कि ये सारे काम हैं। और स्पेशली अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो घर में आपकी शांति ज़्यादा रहेगी, आपके घर में सिस्टम्स ज़्यादा बनेंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन कम होगा। तो ये एक दूसरी चीज़ है, एक अनकंफर्टेबल टॉपिक ज़रूर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हस्बैंड वाइफ को आपस में ये कन्वर्सेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी चीज़, एक कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से कि मुझे अपने लिए टाइम की ज़रूरत है, आई वॉन्ट सम टाइम फॉर माई सेल्फ।
अब ये टाइम हो सकता है कि मैं अकेले बैठकर एक किताब पढ़ना चाहती हूँ, ये टाइम हो सकता है कि मैं अपनी गार्डनिंग करना चाहता हूँ, ये टाइम हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आज घूमने जाना चाहता हूँ, ये टाइम हो सकता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आज मूवी देखना चाहती हूँ, ये टाइम हो सकता है कि मैं अपने लिए एक अलग बाय माई सेल्फ एक वेकेशन पे जाना चाहती हूँ। जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड टू ईच अदर, इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे 365 डेज आपको एक साथ रहना है। हम जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हर चीज़ में हमें एक ब्रीदिंग स्पेस देने की ज़रूरत होनी चाहिए, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें हम दोनों को अपना अपना कार्य करने का, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की, अपनी हैबिट्स, अपने गोल्स, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की एक स्पेस होनी चाहिए। ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड को गोल्फ खेलना अच्छा लगता हो और आपको गोल्फ का जी भी समझ में नहीं आता, विच इज़ परफेक्टली फाइन, तो वो गोल्फ खेलने अकेले जा सकते हैं। हो सकता है आप आपकी वाइफ को बहुत अच्छा लगता है मूवीज़ देखना और आपको मूवीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। So she should have the privilege and the advantage and the independence to go and watch a movie by herself. हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम अधिकतर ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि लगता है हमें कि हम सब चीज़ एक साथ करेंगे, दुनिया क्या कहेगी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोल्फ खेलने चला गया या मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चली गई, तो इट इज़ नॉट नाइस। एज अ कपल हमको सब चीज़ें एक साथ करनी चाहिए। ट्रस्ट मी, जब आप अपने लिए अपनी हैबिट्स, अपनी डिज़ायर्स, अपनी हॉबीज़ पे टाइम स्पेंड करेंगे अपनी खुशी के लिए, उसका मज़ा ही कुछ और है। उसके कई एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज तो ये है कि आपको अपने बारे में ज़्यादा पता चलेगा। हम अपने ऊपर, अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं के ऊपर कभी फोकस नहीं करते। हम अगर मैरिज में एज अ हस्बैंड है तो हमें लगता है हमको तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है और वही करना है हमें, और हमारी ज़िंदगी का सारा दारोमदार वही है। हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी ढेर सारी पॉकेट्स हैं। इसमें एक स्पिरिचुअल पॉकेट है, एक हेल्थ पॉकेट है, एक उसमें फाइनेंशियल पॉकेट है, एक फैमिली पॉकेट है, एक हमारी सिबलिंग पॉकेट है, एक हमारी रिलेशनशिप पॉकेट है। उन सब में प्रॉपरली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ पर फोकस करना बिल्कुल मत भूलें। ये कन्वर्सेशंस हम करते नहीं हैं, हम इसलिए नहीं करते, शायद हमारे दिमाग में बात आती नहीं है, लेकिन तब होता है अरे झगड़ा हो गया, भाई मेरे को पिक्चर देखने जाना तुमने क्यों मना किया, नहीं मेरे को गोल्फ खेलने जाना तुमने क्यों मना किया, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना तुमने क्यों मना किया, मैं क्यों नहीं जा सकता। ये चीज़ें तब उभर के आती हैं जब आप ऑलरेडी इनके बारे में नहीं सोचते। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हमारी रिलेशनशिप को अच्छा होने के लिए क्या करना है, या हमारी रिलेशनशिप को अच्छा होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, ऑटोमोड पायलट में चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है, अपने पार्टनर से, अपनी हस्बैंड या वाइफ से उनका ओपिनियन मत मांगे अगर आपको सिर्फ चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो उसकी हामी में हामी भर दें। मीनिंग, अगर आपने अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से कुछ पूछा है कि मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है, तो और उन्होंने उलट के कहा आप तुम अच्छे नहीं लग रहे, और फिर आपका जो मुंह है वो फूल जाए और आपको गुस्सा आ जाए और आप टेंट्रम्स थ्रो करें, आपने ओपिनियन क्यों मांगा था? आपने उनसे ये क्यों पूछा था कि आपको क्या लगता है कि मैं कैसी लग रही हूँ? अगर आप यही सुनना चाहते हैं कि वो ये कहें वाह 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 आप तो इतनी खूबसूरत लग रही हैं, कलर आप पे इतना अच्छा लगता है, जबकि आप बिल्कुल ही भयंकर लग रही हैं उस चीज़ में या उस कलर में या उस आउटफिट में, तो आपने ओपिनियन क्यों मांगा? जब हम किसी का ओपिनियन मांगते हैं तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में वो ओपिनियन सही हो, ताकि अगर कहीं कुछ गड़बड़ है मैं उसको एडजस्ट कर लूँ या ठीक कर लूँ। बट मोस्ट पीपल जब ओपिनियन मांगते हैं तो इसलिए नहीं मांगते कि उनको ओपिनियन चाहिए, वो इसलिए मांगते हैं कि जो उनके दिमाग में चल रहा है उसकी वो दूसरा इंसान हामी भरे, ये बोले बिल्कुल अच्छी लग रहे हो,
बहुत ही अच्छे लग रहे हो, चाहे उसका जो एक्चुअल फैक्ट है वो बिल्कुल उल्टा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में अनकंफर्टेबल टॉपिक ज़रूर हैं, लेकिन अगर अपनी रिलेशनशिप में आप खुश रहना चाहते हैं, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, आप एक स्ट्रेस फ्री रिलेशनशिप चाहते हैं, तो इनके बारे में बात करें, इनके बारे में कन्वर्सेशन करें, इन चीज़ों को कारपेट के अंदर मत दबाएं। क्योंकि जब आप इसके बारे में कन्वर्सेशन करेंगे तो पहले तो दूसरे इंसान का ओपिनियन पता चलेगा, उससे इम्पॉर्टेंट ये है ओपिनियन के अलावा आपको ये पता चलेगा कि आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप में किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ये बातों के बारे में ज़रूर गौर करें और इनको अपनी रिलेशनशिप का एक हेल्दी हिस्सा बनाने की कोशिश करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डॉक्टर नलिनी तनेजा फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में रिलेशनशिप रिलेटेड, आपकी फैमिली के रिलेटेड, आपका करियर रिलेटेड, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।